लाखों साल पहले प्रकृति की एक शक्ति ने दो विशाल पिंडों को एक अपरिहार्य टकराव के रास्ते पर खड़ा कर दिया था, जो पृथ्वी का चेहरा बदल देता और हजारों प्रजातियों के लिए जीवन या मृत्यु का कारण बनता। प्रकृति की शक्ति प्लेट टेक्टोनिक्स थी और पिंड उत्तरी और दक्षिण अमेरिका थे, और भले ही वे प्रतिवर्ष 2.5 सेंटीमीटर की भारी गति से एक दूसरे की ओर बढ़ रहे थे, उनकी टक्कर ने वास्तव में पृथ्वी के इतिहास में जैविक प्रवास के सबसे बड़े प्रकरणों में से एक, द ग्रेट अमेरिकन बायोटिक इंटरचेंज के कारण बड़े पैमाने पर जैविक प्रभाव डाला। हमारी कहानी 65 मिलियन वर्ष पहले शुरू होती है, स्तनधारियों के युग की शुरुआत, जब आज की उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका प्रशांत और अटलांटिक महासागरों के बीच समुद्री संबंध से अलग हुए महाद्वीप थे। इस समय के दौरान दक्षिण अमेरिका जीवों का घर था, जिसमें कॉम्पैक्ट गाड़ी जितने बड़े बख्तरबंद ग्लिप्टोडॉन्ट, 1 टन से अधिक वजन वाले विशाल ग्राउंड स्लॉथ, ओपॉसम्स, बंदर और मांसाहारी आतंक पैदा करने वाले पक्षी शामिल थे। उत्तरी अमेरिका की अपनी प्रजातियां थीं, जैसे घोड़े, भालू और सेबरटूथ कैट्स। 20 मिलियन वर्षों में फेरलॉन और कैरिबियन प्लेटों के स्थानांतरण से मध्य अमेरिकी ज्वालामुखीय आर्क का निर्माण हुआ, जो उत्तरी अमेरिका से जुड़ा एक प्रायद्वीप था। केवल एक बहुत ही पतला समुद्री मार्ग इसे दक्षिण अमेरिका से अलग करता था। जैसे जैसे ये प्लेटें प्रशांत महासागर के तल के काफी नीचे पृथ्वी की मैग्मा परत पर तैरती रहीं, कैरिबियन प्लेट पूर्व की ओर चली गई और लगभग 15 मिलियन वर्ष पहले दक्षिण अमेरिका अंततः इस मध्य अमेरिकी आर्क से टकरा गया। इसने धीरे धीरे पैसिफिक और कैरिबियन के बीच जल संबंध बंद कर दिया, जिससे एक भूमि पुल बन गया जो उत्तरी अमेरिका को दक्षिण अमेरिका से जोड़ता था। स्थलीय जीव अब दोनों महाद्वीपों के बीच से गुजर सकते थे और जीवाश्म रिकॉर्ड से यह स्पष्ट है कि उनके विस्तार की अलग अलग लहरें आईं। भले ही पौधे शारीरिक रूप से नहीं चलते हैं, वे हवा और लहरों द्वारा आसानी से फैल जाते हैं, इसलिए वे पक्षियों की कुछ प्रजातियों के साथ पहले चले गए। उनके बाद कुछ मीठे पानी की मछलियां और उभयचर गए और अंततः विभिन्न स्तनधारियों ने पुल को पार करना शुरू कर दिया। दक्षिण अमेरिका से ग्राउंड स्लॉथ और ग्लिप्टोडॉन्ट जैसे स्तनधारी उत्तरी अमेरिका में व्यापक रूप से फैल गए। इसके अलावा कई दक्षिण अमेरिकी ट्रॉपिकल मैमल्स जैसे बंदर और चमगादड़ मध्य अमेरिका के जंगलों में बस गए और आज बहुत प्रचुर मात्रा में हैं। दक्षिण अमेरिकी शिकारी मार्सुपियल्स 3 मिलियन वर्ष पहले विलुप्त हो गए थे। उस समय उत्तरी अमेरिकी शिकारी जैसे कि बिल्लियां, भालू और लोमड़ियां दक्षिण की ओर चले गए और पीछे छोड़े गए पारिस्थितिकी स्थान पर कब्जा कर लिया। घोड़े, लामाज, टेपियर्स, कूगर्स, सेबरटूथ कैट्स, गोम्फोथियर्स और बाद में मनुष्य भी भूमि पुल के पार दक्षिण की ओर चले गए। लेकिन जमीन पर जो हुआ वो केवल आधी कहानी है। जो एक विशाल महासागर था वो अब दो हो गया था, जिससे दोनों जल निकायों के तापमान और लवणता में अंतर पैदा हो गया। इस्थमस, मोलस्क, क्रस्टेशियंस, फोरामिनिफेरा, ब्रायोजोन्स और मछली जैसे कई समुद्री जीवों के लिए भी एक बाधा बन गया और कई समुद्री प्रजातियों की आबादी को अलग कर दिया। इसने थर्मोहेलिन सर्कुलेशन की स्थापना की भी अनुमति दी, एक वैश्विक जल कन्वेयर बेल्ट जो अटलांटिक के पार गर्म पानी पहुंचाता है और उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट, यूरोप के पश्चिमी तट और कई अन्य क्षेत्रों की जलवायु को प्रभावित करता है। ये ट्रैक करना एक चुनौती है कि अमेरिका की टक्कर ने दुनिया को किस तरह से बदल दिया, लेकिन ये कहना सुरक्षित है कि ग्रेट अमेरिकन बायोटिक इंटरचेंज की लहरें ग्रह पर जीवन के इतिहास और मानव जाति के माध्यम से फैल गई हैं। यदि ये प्रजातियां विलुप्त न हुई होती या यदि मध्य अमेरिका में बंदर या दक्षिण अमेरिका में जैगुआर न होते तो क्या होता? यदि थर्मोहेलिन परिसंचरण प्रवाहित न हो तो क्या होगा? क्या उत्तरी अमेरिका पूर्वी तट अधिक ठंडा होगा? ये सब दिखाता है कि हमारे ग्रह के कुछ सबसे प्रभावशाली परिवर्तन एक पल में होने वाले विस्फोटक परिवर्तन नहीं है, बल्कि वे परिवर्तन है जो अपरिवर्तनीय परिवर्तन की ओर बढ़ते हैं। हम इतिहास की उपज है। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें पर क्लिक करें और कुछ नया सीखने का मौका कभी न चूकें।